एवरीवन स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे और कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो और अभी सुबह का समय है नहाना धोना पूजा वगैरह घर का सब काम हो गया है और हम बन रहा है ब्रेकफास्ट अपे मेरी फैमिली का ऑल टाइम फेवरेट मैंने हस्बैंड को दे दिया है वो खा रहे हैं ये देखिए वो खा रहे हैं और साथ में डुबू भी अपनी मस्ती करते करते खा रहे हैं वो काम भी उनका चल रहा है और सो मैं अपना बनाऊंगी और फिर अपन ब्रेकफास्ट करेंगे मैंने सोचा आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए और आज का मौसम बहुत ही अच्छा है हाँ फिलहाल तो बहुत अच्छा है बाद का पता नहीं मतलब थोड़ा सनी रे है तो अच्छा लग रहा है और गर्मी का तो सवाल नहीं है गर्मी मेरे को आज तक फील नहीं हुई प्रेजेंट सा मौसम हो रखा है अच्छा लग रहा है और आज फाइनली ऐसा ऑनर ने बताया है कि वॉशिंग मशीन के लिए वो लोग नल लगा देंगे तो फाइनली मे बी आज ये हो जाए देखते होता है कि नहीं होगा ये लास्ट काम है क्योंकि एसी जो है वो हम इंस्टॉल करा नहीं रहे क्योंकि हमें बहुत ही कम दिन रहना पड़ता है और अभी यहाँ पे वैसे भी गर्मी नहीं है और अभी तो बारिश का मौसम है उसके बाद विंटर आएगा तो हम ए को इंस्टॉल नहीं कराएंगे तो ए को हमने इस तरह से ऐसे कवर करके रखा है जब हमें फील होगा तो हम इसे इंस्टॉल करा लेंगे पर फिलहाल इंस्टॉल कराने का कोई मतलब नहीं है और उस चीज को इग्नोर कीजिएगा वो धुले कपड़े हैं मुझे उसको अच्छे से सेग्रीगेट करना है उसको फोल्ड करना है पर मैं देखती हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह करके जब भी मैं फ्री होंगी, सो मैं करूंगी सो फिलहाल कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और फिर आपसे बातें करते हैं so सो चलिए ये रहा मेरा यम यम ब्रेकफास्ट मेरा फेवरेट मतलब तो फेवरेट इन द सेंस हमारी फैमिली में सबको पसंद है तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर आपसे ढेरों बातें करते हैं सॉसेसिस खाने का बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ आजकल मुझे सॉस वाली इतनी गंदी आदत लगी है कि मेरे ना डाइट में ना सॉसेस की मतलब कंजम्पन्स बढ़ गया है मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगी हूँ और ये सर ये लत इतनी गंदी होती है ना कि एक बार अगर आपको लग जाए ना तो ख़त्म ही नहीं होती है सो so वैसी वाली ही टाइम चल रहा है सो so चलिए भूख भी लग रही है कल का मेरा व्रत था कल मंडे था आज ट्यूजडे है थर्ड ऑफ ऑगस्ट सो मेरे को भूख भी लग रही है मैं फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ और यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं लंच बनाने के लिए आ गई हूँ हालांकि ये बहुत बात का सीन है इसके बीच में मैंने ढेरों काम किए मैंने डुगू को होमवर्क बनाया हस्बैंड से बैठ के बहुत देर बातें की मम्मी को फ़ोन लगाया और उसके बाद मैं लंच बनाने के लिए आ गई हूँ और आज मैं लंच में बना रही हूँ भरवा करेला बहुत दिन हो गए थे सो मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊँ और आज मैं भरवा करेला बिल्कुल ही डिफ़रेंट तरीके से बना रही हूँ डिफरेंट इन द सेंस कि मैं आज ये करेला अपनी मम्मी के स्टाइल में बना रही हूँ इस तरह से मेरी मम्मी बनाती हैं सो मैंने करेले को अच्छे से पिल ऑफ़ कर लिया पिल ऑफ़ इन द सेंस कि करेले का जो हार्ड पोर्शन होता है मैंने उसको छील के उसको वॉश करके और इसको सॉल्ट के साथ बॉइल कर लिया है और इसको ऑलमोस्ट एट्टी परसेंट कुक कर लिया है और अब मैं इसके अंदर के जो सीड्स और पल्प हैं उसको निकाल के इसको होल कर लूँगी और यहाँ पर मैं इसके स्टफिंग की तैयारी कर रही हूँ जो भरवा में मसाला डलेगा सो मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है तड़के में मैंने यूज़ किया है क्यूमिन सीड्स मस्टर्ड सीड्स और पिंच ऑफ हींग क्योंकि भरवे में हींग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप ज़रूर ऐड करें सो और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का अनियन को बारीक चॉप करके रखा था उसको डाल देंगे और अनियन को हम हल्का सा पिंक होने तक फ्राई करेंगे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हल्का सा जैसे ही अनियन का कलर चेंज हो जाएगा दैन हम घर के जो रेगुलर मसाले होते हैं जो मसाला डब्बा में हम रेगुलर यूज़ करते हैं लाइक धनिया पाउडर हल्दी पाउडर रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला हालांकि बहुत लोग बोलते हैं कि करेले में मिर्च का यूज़ नहीं करते हैं या नहीं करना चाहिए पर ट्रस्ट में मैं तो करती हूँ मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है सो आप भी ट्राई कर सकते हैं अच्छा लगता है टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि करेले के साथ इसका कॉम्बो अच्छा नहीं लगता मुझे तो अच्छा लगता है और मैं डालती हूँ सो so, यहाँ पर मैंने मसाला को अच्छे से फ्राई कर लिया है और हालांकि इसी स्टेज पे अनियन फ्राई होने के बाद मुझे लहसुन का मैंने मैंने लहसुन को ऐसे कूट कर रखा था क्रश करके उसको डालना था पर मैंने भूल गई थी मैं सो so, मैंने उसको एंड में डाला और यहाँ पर मैं आमचूर पाउडर कर रही करी और किसी भी तरह के भरते में आमचूर का बहुत बड़ा रोल होता है चाहे हम किसी भी तरह का भरवा बना रहे हैं सो so, मैंने यहाँ पर भर के दो चम्मच आमचूर पाउडर डाला है और जब हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया तो जो हमने करेले का सीड्स और पल्प निकाला था उसको भी डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर में ये फ्राई हो जाता है जैसे ही ये फ्राई होगा आपको फ़ील हो जाएगा कि वो फ्राई हो गया थोड़ा वो एक अच्छा सा एरोमा घर में फैल जाता है और यहाँ पर देखिए मैं गार्लिक डाल रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी उस टाइम सो यहाँ पर हमारी स्टफिंग ऑलमोस्ट रेडी है सो हम इसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे क्योंकि ऐसे गरम गरम हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सो तो हम इसे ठंडा करके और अच्छे से हाथों का इस्तेमाल करते हुए हम प्रेस कर के सारे करेले को जिसको हमने होल करके रखा है उसमें इस स्टफिंग को भर देंगे और ये भरवा बहुत ही अच्छा बनता है मेरी मम्मी बनाती थी हालांकि जब मेरी मम्मी बनाती तब तो मैं करेला बिल्कुल नहीं खाती थी मैं करेला आफ्टर मैरिज खाने लगी धीरे धीरे मेरे इन लॉज़ जो स्पेशली मेरे ससुर जी बहुत प्रेशराइज़ करते थे करेला खाया करो अच्छा होता है अच्छा होता है सो धीरे धीरे मैं सीख गई और मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद था और अब तो मुझे भी पसंद है मैं भी खा लेती हूँ सो यहाँ पर देखिए मैंने वन बाय वन सारे करेले में स्टफिंग को भर दिया है और मैंने यहाँ पर बेसन का एक पतला सा बैटर बनाया है जिसमें मैंने टर्मरिक थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर और कुछ भी एड और सॉल्ट ऐड किया इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं किया और आप थिकनेस देख सकते हैं और ये टोटली ऑप्शनल है आप चाहें तो उस करेले को ऐसे ही सैलो फ्राई या डीप फ्राई कर सकते हैं पर इस तरह से मैंने मम्मी को देखा था कि मम्मी हमारी जो है वो करेले के जहाँ पे हमने स्टफ़िंग भरा है उसको उसकी सरफेस को ऐसे लॉक कर देती थी इससे बहुत ही ईजीली वो अच्छे से मतलब वो स्टफिंग बाहर आने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और ट्रस्ट मी इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और हमने तो मम्मी के हाथ का ऐसा ही देखा है तो ये मेरा मम्मी का वर्ज़न है और मम्मी ऐसे ही बनाती थी सो मैंने बस उसके स्टफ करेले का जो खुला ओपन पोर्शन रहता है उसमें मैंने थोड़ा सा बेसन लगा के और इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे और इसे कोई भी स्लो लो फ्लेम पे पकाने का कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि हमारा करेला ऑलमोस्ट पका हुआ है एट्टी परसेंट मैंने कुक कर दिया था सो हम यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम में इनको डीप फ्राई कर लेंगे और आप चाहें तो इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा करेला पूरी तरह से फ्राई हो गया फ्राई इन देंस जो बेसन है वो पक गया है अच्छे से और मैंने बेसन को थोड़ा सा ज़्यादा रखा है मम्मी जब भी लगाती थी तो वो सिर्फ़ टॉप पे लगाती थी जहाँ पे वो खुला पोर्शन होता था लेकिन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है क्योंकि इससे करेले का जो कड़वापन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है बेसन की वजह से और मुझे पर्सनली करेले का वो कड़वापन पसंद नहीं है सो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बेसन की मात्रा बढ़ा दी है और जो बाकी का लेफ़्ट ओवर करेला का पीसेस था वो उसको भी मैं सेकंड स्लॉट में फ्राई कर रही हूँ और साथ ही साथ मैंने मिर्ची भी फ्राई की है क्योंकि इस तरह से बेसन में रोल किए हुए मिर्ची खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सो एक बार अगर कढ़ाई चढ़ गई और उस पर ऑयल है तो फिर जो वो तलने का सिलसिला चालू होता है ना मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं जब भी मैं कुछ फ्राई करने जाती हूँ सो so, फ्राई करने के ड्यूरिंग ही कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें ऐड होती जाती है सो so, यहाँ पर मैंने चिल्ली ऐड किया फिर मुझे थोड़ी देर में याद आया कि यार डुगू तो करेला खाएगा नहीं इस तरह से सो so, मैंने उसके लिए थोड़े बहुत आलू भी तल लिए मतलब ज़्यादा नहीं मैंने सिर्फ़ चार पाँच पीसेस तले ताकि वो खा ले बट बाद में वो खाया नहीं बहुत ही परेशान किया मुश्किल से एक या दो पीसेस खाया दो बच ही गया था लेकिन मैंने फ्राई कर लिया कि वो भी खाएगा सो यहाँ पर हमारा करेले का यम्मी यमी, यमी भरवा बिल्कुल रेडी है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना था और ये खाकर मम्मी के हाथों से तो बहुत ही कम खाई हूँ बस देखा है पर बहुत अच्छा बना था सो हमारा यहाँ लंच बन के बिल्कुल रेडी है सिंपल सी राइस दाल और भरवा करेला और मिर्ची पकौड़ा सो मैं सबसे पहले हस्बैंड की थाली लगा रही हूँ फिर डुगू को खिलाऊंगी और साथ ही साथ हम भी खा लेंगे सो so, ये हमारा लंच टाइम है और सुबह में हम अपे खाए थे और ये टाइम काफ़ी लेट हो गया था आई थिंक दो ढाई का समय था तो भूख भी बहुत लग गई थी और ये देखिए डगू के नखरे डगू को खिलाना मेरे लिए बहुत ही ब मतलब बहुत ही बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है इतना बड़ा हो गया है पर ये लड़का ट्राई नहीं करता कि खुद से खाए जब भी बोलती हूँ बेटा ट्राई करो हम आई एम टू स्मॉल मैं खुद से नहीं खा सकता इतने बहाने मारता है क्या बोलूँ मैं और लंच करने के बाद हम यहाँ पर नीचे जा रहे थे क्योंकि डुगू इन्हीं शर्तों पर खाया था कि मम्मा आज मुझे प्लेग्राउंड जाना है सो काफ़ी दिन हो गए थे और आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा था सनी डे था और बहुत ही प्लेजेंट सा मौसम हो रखा था तो मेरा खुद का भी मन कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट भी कर रहा था मैं बोली चलो अच्छी बात है मैं भी चलती हूँ सो हस्बैंड मैं और डगू चले गए थे और दोपहर का टाइम था दोपहर इन द सेंस कि तीन बज रहा था तो कोई था भी नहीं तो मुझे सेफ भी लगा सो यहाँ पर डुग्गू भी खेल रहा है और साथ ही साथ मैं भी मस्ती कर रही हूँ अच्छा लग रहा था बहुत दिनों बाद बाहर गई थी और मौसम भी बहुत अच्छा था तो मैं उसको इंजॉय कर रही थी और यहीं पे बस हम थोड़ी देर यहाँ पे रहे थे आई थिंक एक घंटे हाँ एक घंटे ऑलमोस्ट रहे थे और उसके बाद हम चले गए थे क्योंकि मैंने लंच के बर्तन भी क्लीन नहीं किए थे उसके बाद जाकर करूँगी डगू इतना ज़्यादा जिद करने लगा तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैंने कोई चीज़ अगर वो मेरी कोई बात मानता है तो फिर अगर वो भी कोई जेनविन सी जिद करता है मेरे से तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं मान जाऊँ सो so यहाँ पर हम उसके साथ थोड़ा सा खेलेंगे इंजॉय करेंगे और मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ आई होप आपको मेरा ये नॉर्मल रूटीन और छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर बाय बाय